दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एलपीएम। एलपीएम में टॉपिक है अपना, कल हमने पढ़ा था रियरिंग ऑफ काफ, यानी बच्चों की रियरिंग यानी पालन कैसे करना है, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कौन कौन सी पद्धति होती है। वो मैं आपको कल बताया था, दो पद्धति होती है। एक तो बच्चे को माँ के साथ रखकर, और दूसरा बताया था आफ्टर बीनिंग, बीनिंग करने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मार्किंग ऑफ काफ्स। मार्किंग मतलब है बच्चों का चिन्हीकरण कैसे करना है, यानी मार्किंग कैसे करनी है। बॉडी मार्क होते हैं ना, जैसे आवश्यकता अनुसार ईयर टैगिंग, टैटूइंग, ब्रांडिंग एंड नेक चेन। इन तीन चार चीज़ों के द्वारा हमारे बच्चे की मार्किंग की जाती है, ताकि हमको पता रहे कि हमारा बच्चा, ये कौन सी माँ का बच्चा है, ये कौन सी माँ का बच्चा है। उससे आइडेंटिफिकेशन से क्या होता है कि हमको पूरे उस बच्चे का पूरा डाटा रहता है कि कब इसकी काविंग हुई थी, फर्स्ट बार बीनिंग कब हुई थी इसकी, फर्स्ट बार हीट में कब आई थी, दूध कितना दिया, लैक्टेशन पीरियड क्या था, ड्राई पीरियड क्या था, पार्चुरेशन टाइम क्या है इसका, कब इसको सेल किया है, कब इसको परचेज किया है। आइडेंटिफिकेशन से ये चीज हमको, आइडेंटिफिकेशन से अगर हम बच्चे का आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, पहचान चिन्ह नहीं लगाएंगे, मार्किंग नहीं करेंगे, तो हमको उसके डाटा संधारण के बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा। ना तो उसका मिल्क एज कितना है, कितना दूध दिया है इसने, कब ये गाभिन हुई है, कब ये पार्चुरेशन होगा, कब कितना ड्राई पीरियड है इसका, कितना लैक्टेशन पीरियड है, कितना गेस्टेशन पीरियड है, कुछ भी हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो उसकी मार्किंग करना ज़रूरी है। मार्किंग के लिए हम ईयर टैग, हम टैग लगा देते हैं, टैटूइंग गोद देते हैं, ब्रांडिंग दो तरह की होती है, हॉट ब्रांडिंग, कोल्ड ब्रांडिंग, उसके द्वारा ब्रांड लगा दिया जाता है। यह नेक चेन में कोई नंबर डाल के उसे गर्दन में लटका दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों हम देखेंगे उसकी डी बडिंग या डी हॉर्निंग। डी बडिंग यानी सींग रोदन, डी हॉर्निंग यानी सींग रोदन। सींग रोदन हम कैसे करेंगे हमारे पशु का। ठीक है, जो हमारा छोटा बच्चा है उसका सींग रोदन से अपन को फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कैसे सींग रोदन की विधियाँ होती हैं, कौन से मेथड होते हैं, उस मेथड में क्या यूज़ किया जाता है सींग रोदने के लिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बच्चों के सींग रोदने का एक फिक्स टाइम होता है। ठीक है, उस टाइम में अगर हमने सींग रोद दिए, डिबडिंग कर दी, तो ठीक है, नहीं तो अगर 10 से 30 दिन के भीतर हमको ईयर को हॉर्न को रिमूव करना होता है, यानी डी हॉर्निंग 10 से 30 दिन के बीच में हमको डी हॉर्निंग करनी होती है। अगर 10 से 30 दिन के बीच में हम डी हॉर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो सींग की कलकाएं सेंस होती हैं, जो उसका बल्ब होता है हॉर्न का, वो बाहर निकलने लगता है। अगर वो बाहर निकल जाएगा तब हमको सींग रोदने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब उस हॉर्न बल्ब जब बाहर निकल जाएगा, उस टाइम हम सींग रोदेंगे तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और हॉर्न में जब एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो इसमें 3 वेंस होती हैं, जो ब्लड वेंस होती हैं, 3 से 4 वेंस होती हैं, उनमें रक्त प्रवाह बहुत तेजी से होता है। ठीक है, इसलिए जो हॉर्न हर्ड होता है उसको आने से पहले ही हमको ये रिमूव करना होता है। ठीक है, उसके लिए हम बच्चों में पहले लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि वो जो सींग वाली जगह है, वो
उस जगह को हम निश्चित एनिस्थीसिया देके अनिश्चित कर देते हैं। ये सीन है अपना, यहाँ पर हम उसको सबकट लगाएंगे तो ये जो जगह है ये सुन्न हो जाएगी। इसमें हम डी वार्निंग उसी करेंगे जिस टाइम पर और ब्रांडिंग होती है, इनडोर ब्रांडिंग होती है, कई तरीके होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो वहाँ पर उसको पेन नहीं होता है, उस पेन को कंट्रोल करने के लिए हम उसको लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि वह जगह उसकी बिल्कुल सुन्न पड़ जाए, निश्चित पड़ जाए। ठीक है, उसके बाद उसके एडवांटेज क्या है, डी हॉर्निंग करने के एडवांटेज यानी लाभ, लाभ भी होते हैं। कोई काम अपन करते हैं तो उसका एक तो लाभ होता है, एक होती है हानि। लाभ क्या है, सबसे पहले तो पशु के सींग में चोट से बचाया जा सकता है, वो सही बात है। जब पशु के सींग ही नहीं होंगे तो पशु आराम से कहीं भी निकल जाए, कहीं भी लड़ गुद कर भी आ जाएगा तो कोई सींग टूटने का चांस नहीं होता, सींग ही नहीं है तो, इसलिए उसके चोट नहीं लग सकती, चोट ना तो लग सकती है ना ही किसी को दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ होती है आपकी, इसका एक एडवांटेज जो बेस्ट एडवांटेज होता है। ठीक है, उसके बाद जिस पशु के सींग नहीं होंगे उस पशु को कम स्पेस की आवश्यकता होती है, थोड़े से जगह में वो पशु अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, अगर सींग बड़े होंगे तो उसको ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होगी। इसलिए जिसके सींग नहीं होते उसको कम स्पेस की आवश्यकता होती है, तथा सींग जिस पशु के नहीं है उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सींग है तो वो आपको सींग से डराने की कोशिश करेगा, मारने की कोशिश करेगा, तो आप आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। इसलिए उसके सींग नहीं है तो उसको हम आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, पकड़ के बांध लेंगे। ठीक है, और क्या इसका एडवांटेज है, सींग ना होने से जो पशु एक ग्रुप में हर्ड में चलते हैं तो एक आकर्षण से अच्छा लगता है, उनको देखना अच्छा लगता है ताकि वो सुंदर दिखाई दे, पूरा हर्ट सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इसका एक लाभ है कि सींग ना होने से पशु को हॉर्न कैंसर से बचाया जा सकता है, सींग ना होने से पशु को हॉर्न कैंसर, पशुओं में सबसे खतरनाक बीमारी होती है हॉर्न कैंसर। ठीक है, इससे पशु को हम बचा सकते हैं, अगर हॉर्न सींग होगा तो उसमें कैंसर होने का चांस रहेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, ब्लीडिंग होगी, पशु को शॉक भी लग सकता है, आहार भी हो सकता है, इसलिए हॉर्न कैंसर होगा ही नहीं जब सींग ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं मेथड क्या है इसके, मेथड में एक होता है केमिकल मेथड यानी केमिकल के द्वारा, एक मैकेनिकल कोई टेक्निक के द्वारा, केमिकल में कोई रसायन होता है और मैकेनिकल में कोई टेक्निक होती है। ठीक है, फर्स्ट देखें केमिकल, केमिकल में इस विधि में KOH यानी कास्टिक पोटाश का अपन इसमें यूज करते हैं। कास्टिक पोटाश का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यह एक दहा रोधक पदार्थ होता है, इसको किसी भी स्किन त्वचा पर लगाएंगे थोड़ी देर बाद ये वहाँ पर जलन करने लगता है, वहाँ की जो सेल्स होती हैं उन सबको नष्ट कर देता है, जला देता है। ठीक है, एक दहाक का काम करता है, इसलिए कास्टिक पोटाश का हम इसमें उपयोग करते हैं, जो हॉर्न सेल्स को थोड़ी देर में रखकर उनको जला देता है, राख कर देता है। जब सेल्स उसकी जल जाएंगी तो वहाँ पर जो उसका हॉर्न कवच होता है, हॉर्न पैड होता है, वो निकलेगा नहीं और अपना सींग बाहर नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद POH को लगाने के बाद उस साइड में जो उसकी खाली स्थान होता है हॉर्न सेल के आसपास वाला, उसमें हम बेसलिन लगा देते हैं ताकि
तमाम उस जगह की कोशिकाएं या सेल्स जले नहीं, दहक नहीं हो, ठीक है। ये बेसिन क्या करती है, जो KOH अपन लगाते हैं तो दूसरी जगह पे KOH अपना असर ना दिखाए, सेल्स को किल ना करे, उस कंडीशन में वैक्सीन बेसिन लगा दिया जाता है, ठीक है। तथा घाव होने के बाद जब थोड़ी देर में जल जाएगा, घाव होने के बाद सेल्स जल जाती हैं, ये और में हो जाती है, तो वहाँ पर जिंक ऑक्साइड पाउडर आता है, जिंक ऑक्साइड पाउडर हम वहाँ थोड़ा सा लगा देंगे। उस जिंक ऑक्साइड पाउडर से क्या होता है, जहाँ पर जो सेल्स जली हुई हैं वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होगा और वहाँ पर एक मतलब कोई वो घाव है वो जल्दी हिल करेगा और उसकी जो सेल्स हैं वही ब्लॉक होके नष्ट हो जाएंगी और उसकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और वहाँ पर एक पपड़ी नुमा एक सतह बन जाएगी, जिससे क्या है उस बच्चे को ये एक्टोपैरासाइट्स मैगनेट्स वगैरह से उस बच्चे के सींग को बचाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है इसका मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके थैंक्स क्लास।